आप सब कैसे हो? ठीक हो ना? आज हम एक कहानी सुनेंगे श्रवण कुमार की। एक था श्रवण कुमार, वो अपने माता पिता की खूब सेवा करता। माता पिता के हाथ पैर दबा के देना, उनका ख्याल रखना, उन्हें क्या चाहिए वो देखना, ऐसे वो रोज अपने माता पिता की सेवा करता। एक दिन जब वो काम से घर लौटा, उसने अपने माता पिता से कहा कि आज गांव के कुछ लोग बातें कर रहे थे कि कल सुबह वो लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। तो पिताजी ने भी कहा कि हमें भी तीर्थ यात्रा करनी थी, हमें भी जाना था। लेकिन माता ने कहा, हम कैसे जा पाएंगे, हम तो अंधे हैं। तो श्रवण कुमार ने मन में ही कुछ ठाना और बोला कि मुझे मेरे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवानी है। और वो घर से निकल गया। उसने एक कावड़ बनवाई, उस कावड़ में दो बड़ी सी टोकरियां बनवाई और वो घर लौटा। उसने अपने माता पिता से कहा कि आप लोग तैयार रहना, कल सुबह हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। दूसरे दिन वो लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले। एक टोकरी में उसने माता को बिठाया, दूसरी टोकरी में उसने पिता को बिठाया और कंधे पे लेके चल पड़ा तीर्थ यात्रा करने के लिए। दिन भर चलना, रात को सोना, दिन भर चलना, रात को सोना। दिन में कहीं पे भी तीर्थ स्थान दिखे तो उनके दर्शन करते थे और रात को सोते थे। एक दिन रात को श्रवण कुमार के पापा को प्यास लगी। उन्होंने कहा, मुझे पानी चाहिए। श्रवण कुमार जैसे ही पानी देने के लिए उठा तो मटके में पानी नहीं था, खत्म हो चुका था। तो वो जंगल में पानी लेने के लिए जा रहा था तो उसके पिता ने कहा, अभी मत जाओ, कल सुबह चले जाना, मैं कल सुबह पी लूंगा। तो उसने कहा, नहीं, आपको पानी चाहिए, मैं अभी ला के देता हूँ। तो वो जंगल में पानी लेने के लिए गया। उसे एक नदी दिखाई दी। जैसे ही उसने खाली घड़ा नदी में पानी भरने के लिए डाला तो खाली घड़े में थोड़ा आवाज हुआ पानी भरने का। जैसे ही पानी भरने का आवाज हुआ तो श्रवण कुमार को यहाँ पे तीर लग गया। तीर लग गया तो उसने जोर से आह किया। हम लोग को भी कुछ लग जाए तो हम लोग के मुंह से आवाज निकलती है ना, वैसे ही श्रवण कुमार ने भी आह किया जोर से। तो एक इंसान भागते भागते आया और वो श्रवण कुमार से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं दशरथ राजा हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि रात में कोई जानवर पशु पक्षी पानी पीने आए होंगे तो इसलिए मैंने तीर चला दिया, लेकिन वो तो आप निकले, मुझे माफ कर दो। तो श्रवण कुमार ने बोला, ठीक है राजा, मेरे माता पिता जंगल में प्यासे हैं, आप उन्हें पानी पिला दो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और श्रवण कुमार मर जाता है। फिर राजा घड़े में पानी भर के जंगल में जाता है श्रवण कुमार के माता पिता के पास। आने की आहट सुनकर उसकी माता पिता बोलते हैं, श्रवण कुमार आप आ गए? तो राजा कुछ भी नहीं बोलता। श्रवण कुमार के माता पिता बातें कर रहे थे उससे, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो उसके माँ ने कहा, जब तक आप हमसे बातें नहीं करोगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। तो राजा बोला कि मैं दशरथ राजा हूँ, रात के समय मुझे लगा कि कोई पशु पक्षी जानवर पानी पीने आए होंगे तो मुझे पानी का आवाज आया तो मैंने तीर चला दिया और वो तीर आपके बेटे को लगा और वो गुजर गया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं आपको पानी पिलाऊं, तो माताजी पिताजी पहले आप पानी पी लो। तो उसके माता पिता रोने लगे। माँ ने रोते रोते ही दम तोड़ दिया। फिर उसके पिता ने कहा, जैसे हम लोग श्रवण कुमार के याद में रो रहे हैं वैसे आप भी रोओगे। जैसे हम लोग श्रवण कुमार के याद में रोते रोते मर रहे हैं वैसे राजा आप भी मरोगे। तो आपको रामायण सीरियल पता है ना, जब भगवान राम जी वनवास के लिए जाते हैं तो दशरथ राजा महल में राम 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 करते करते मर जाते हैं। देखा था ना आपने सीरियल में? यस। सो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है श्रवण कुमार की कहानी से, कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता का कहा मानना चाहिए, रोज उनको प्रणाम करना है। ओके। तो बच्चों, हमेशा ये तीन बातें याद रखना। सुबह उठते रेडी होते आपको अपने माता पिता को प्रणाम करना है, माता पिता की सारी बातें आपको माननी है,
और उनकी सेवा करनी है। ठीक है, लव यू ऑल।